बुधवार को भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के आत्मरक्षात ऑपरेशन आत्मरक्षा कार्यशाला में एसपी क्राइम आलोक शर्मा के नेतृत्व में छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 100, साइबर क्राइम, सेल्फ डिफेंस और मानव तस्करी के बारे में जानकारी दी गई। छात्राएं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से फेक आईडी से बचते हुए सोशल मीडिया का प्रयोग करें तथा कोई भी गोपनीय जानकारी जैसे खाता संख्या, एटीएम पिन, वन टाइम पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड्स आदि किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक अपराध आलोक शर्मा, रेखा यादव, जया रंजन यादव, साइबर सेल के कांस्टेबल शशिकांत जायसवाल, यूपी 100 के उप निरीक्षक कन्हैया लाल, अपराध शाखा की महिला कांस्टेबल गोदावरी ओझा सहित महिलाओं की टीम ने सक्रिय भागीदारी देते हुए महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित सेफ्टी टिप्स बताए, जिसमें साइबर अपराध जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर हो रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह की जानकारी दी। कार्यशाला में छात्राओं को यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता छात्र की पहचान और पता गुप्त रखा जाता है। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे यूजर नेम और पासवर्ड से संबंधित जैसे सोशल मीडिया या निजी लाइफ में किसी भी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, जिससे आपकी आईडी का गलत उपयोग सोशल मीडिया पर ना हो सके। कार्यशाला में छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक क्राइम से कुछ सवाल भी किए, जिसका जवाब पुलिस अधीक्षक क्राइम ने दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पलता मल, क्रीड़ाध्यापिका फिरोज आरा सहित महाविद्यालय की अन्य शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्राओं और पुलिस अधीक्षक अपराध आलोक शर्मा ने कहा, हमें अपने स्कूल में आकर के पुलिस से संबंधित और विशेषकर महिलाओं के संबंध जरूरी चीजें हैं वो आपको बता सके। बेटा हम लोग आपका केवल बहुत कम समय लेंगे। आज का जो मेरा नाम आलोक शर्मा है, ये बीच में मेरा ही नाम लिखा है और मैं एसपी क्राइम हूँ यहाँ पर गोरखपुर। कार्यक्रम है, इसमें कई हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम 1090 के बारे में आपको बताएंगे, दूसरे हिस्से में यूपी 100 के बारे में बताएंगे। 1090 का नाम कितने बच्चों ने सुना? तालियां। दूसरे हिस्से में यूपी 100 का नाम बताएंगे। यूपी 100 के कौन सुना है? इंस्टाग्राम के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? आप नीचे कर लो, नहीं समझ आएगा। यह कंप्यूटर में है या डाटा के फॉर्म में, इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। भी बहुत सारा अपराध आजकल हो रहा है, आप लोगों को उस अपराध के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरे हिस्से में हम यही करना, चौथे हिस्से में हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कितना बच्चों ने सुना है? मानव का व्यापार, बहुत सारे प्रिय बच्चों अब तक इसमें 10,000 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है और काम निपटा दिया गया है और 10,000 जो है अपना काम सही ढंग से कर रही है। आप देख सकते हैं 10,000 से काफी महिलाएं और बच्चियां जो है उनका मनोबल काफी बढ़ा है, क्योंकि किसी भी अश्लील टिप्पणी, फेक कॉल, फेक वीडियो या स्कूल जा रही है और गेट पे कोई लड़का खड़ा है आपको परेशान कर रहा है या किसी से जा रहा है टिप्पणी कर रहा है, आप पार्टी को वॉच कर रहे हैं, तो ऐसी इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप तुरंत 10,000 से कॉल करेंगे और आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। आइए बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो 1090 की सबसे पहली मुख्य विशेषता यह है कि 1090 के कोई भी महिला लड़की कभी भी 24 घंटे में कभी भी अगर उसमें किसी तरह की कोई इस तरह की समस्या होती है, जैसे कोई लड़का पीछा कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है या फिर कॉल वीडियो, मतलब इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप 1090 की अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क 24 घंटे। अब आप लोग भी शिकायत दर्ज तो करा दी, अब आपको ये लगेगा कि अब हमारे अगल बगल वाले लोग जानेंगे और रिश्तेदार जानेंगे तो काफी हर्ट होगी, अब हम लोग काफी बदनामी होगी, वो मुकाम में पूरा जाना है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप अपनी शिकायत
करके दर्द कराएंगी तो आप जो भी शिकायत दर्ज कराएंगी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आपने कॉल किया है, सिर्फ आप जानेंगे और दर्ज करते कि जो टीम है जो महिला कर्मी वहाँ बैठे रहते वो जानेंगे कि आपने क्या शिकायत दर्ज करा है। आपका पास पड़ोस रिश्तेदार कोई भी नहीं जानेगा कि आपने क्या शिकायत दर्ज करवाई है। और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दस नब्बे के ये महत्वपूर्ण चिंता है कि आपको किसी ऑफिस कार्यालय पुलिस थाने चौकी कहीं नहीं बुलाया जाएगा। ऑनली कॉल आपने जिस मोबाइल से कॉल किया है उसी मोबाइल के थ्रू पूरी बात होगी आपकी और आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। ये नहीं कि आपको यहाँ आना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। यहाँ पे दस नब्बे में महिला कर्मी ही नियुक्त होती है जो आपकी समस्या को सुनती है, ताकि आप एक लेडीज है वो भी लेडीज है तो आप अपनी बात को बेझिझक उनसे कह सकती हैं। और वहाँ जो महिला कर्मी बैठी होती है उन्हें इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपसे सॉफ्टली बात करें, समझें और आपको समझाने का प्रयास करें और आप भी बेझिझक होकर उनकी बात उनसे करें। अगर हमारे पास भी फोन आता है 1090 से तो उसमें कॉलर की आइडेंटिटी कभी नहीं बताई जाती, ये केवल और केवल मोबाइल पर 1090 लिखा आएगा और कॉलर की आइडेंटिटी हमेशा गोपनीय रखी जाती है। केवल और केवल इस व्यवस्था में ये पूरी व्यवस्था है कि जिस पर आरोप है या जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो पीड़ित है या जिसे परेशान किया जा रहा है उसकी पहचान पूरी प्रक्रिया में गोपनीय रखें। तो कैसे हम लोग आपको बताएंगे अगर किसी से फोन लेके भी कहते हैं तो अगले दिन फिर परेशान करेगा तो आपको कैसे मीन्स हम लोगों का नंबर मिलेगा, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं? ये तो आपकी फैमिली या किसी और बच्ची की फैमिली या किसी और की फैमिली आप फैमिली मेम्बर को किसी का ये फोन का उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपकी परिस्थिति पर निर्भर है कि किस परिस्थिति में आप है, अगर इमीडिएटली कोई सामने आकर आपका हमला कर देता है तो अभी ट्रेनिंग सेंटर ओवर नहीं हुआ, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे उसे पट्टनी देगी, है ना। अपने सेल्फ डिफेंस में आपको सारे अधिकार अपने को बचाने के लिए आप हमला बर पर हमला पूरी तरह ये भी आपको अपनी चीज बताएंगे। देखिए हमारे काम है आपको चीजें बताना, इस परिस्थिति में क्या चीज आपको उपयोग में लानी है,
ये आप ही बोले। मैं आप लोगों को यूपी हाईलाइट के बारे में जानकारी दूँ। यूपी हाईलाइट का नाम सुने हैं आप लोग? जो 100 नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं फोर व्हीलर या टू व्हीलर, उसी बारे में जानकारी है आप लोगों को। पहले भी 100 नंबर की गाड़ियाँ चलती थी जो जनपद स्तर पर चलती थी, अब क्या है कि इसको विस्तृत करके पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2016 को हुई थी जो एक साथ पूरे प्रदेश में लागू की गई। इसके 3 कॉल सेंटर बनाए गए हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, मेन सेंटर लखनऊ में है और 2 उप सेंटर बनाए गए हैं जो क्रमशः इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। 100 नंबर में जो कॉल चेक करती हैं, रिसीव करती हैं, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही बैठी हुई होती हैं। आप जब भी कॉल करेंगे 100 नंबर पे तो कोई ना कोई लड़की ही उठाएगी और आपसे बहुत ही सभ्य तरीके से बात करेंगी, आपकी समस्या पूछेंगी। वहाँ पे एक साथ 999 कॉल एक साथ रिसीव की जाती है। कभी भी आप 100 नंबर से कॉल करेंगी तो 99% चांस है पहले ही बार में आपका नंबर लगे। तो 70% कॉल हमारी लखनऊ ये जाता है सेंटर में, कॉल सेंटर में, और 15% कॉल क्रमशः इलाहाबाद और नोएडा में। तो ये काम कैसे करता है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आपने 100 नंबर पे कॉल किया तो जहाँ वो लड़की बैठी हुई है जो कर्मचारी हैं उनको सीओ कहते हैं, कार मेकिंग ऑफिसर, उन्हें कार मेकिंग ऑफिसर कहते हैं जो आपकी समस्या को सुनती हैं और आपकी समस्या को नोट करके बगल में बैठे हुए डीओ को अग्रसारित करती है। डीओ का मतलब होता है डिस्पैच ऑफिसर। डीओ के पास ये सूचना जाती है तो डीओ क्या करता है, आपकी लोकेशन मोबाइल के लोकेशन से आपका लोकेशन देख लेते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे सड़कों की गाड़ियाँ चल रही हैं सब में जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं, उसी को आपके पास भेजा। और ये गाड़ियाँ 15 से 20 मिनट में मदद रिसीव की है। इन गाड़ियों में आप लोग नंबर देखे हैं, गाड़ी के नंबर लिखा होता है, तो आप जिससे जैसे आपने फोन किया तो वही गाड़ी आपको फोन करेगी नजदीक वाले। आपने लखनऊ फोन किया, ये सारी प्रक्रिया 1 मिनट के अंदर हो जाए। गाड़ियों का नंबर है 7111। इसके बाद जो लास्ट में 4 ऐसी ही समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे गोरखपुर में कई 100 बड़ी मोबाइल रखी जाती है, उसको कहते हैं मिट्टी। क्या कहते हैं? मोबाइल डाटा टर्मिनल। उसी की सूचनाएं आ जाती है। जैसे आपने कॉल अपलोड किया वो डिस्पैचर जैसे डिस्पैच करेगा उस मोबाइल पे आएगा, जहाँ जो जनपद के कंट्रोल रूम है वहाँ पे आएगा, सब जगह। एक काल आपने किया उसके जितने लोग का आधार किए एसपी हो एडी हो कंट्रोल रूम के हो पीआरडी, गाड़ियों को पीआरडी भी कहते हैं। पीआरडी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पीआरडी पुलिस रिस्पॉन्स, आर फॉर रेस्पॉन्स और बी फॉर बीकर, पुलिस रेस्पॉन्स बीकर। यानी कि आपने जब कॉल करी तो पुलिस रेस्पॉन्स देगी ना। आप अपनी टीचर को कॉल करते हैं तो टीचर रेस्पॉन्स देती है कि नहीं, ऐसे ही है। पीआरडी जब आप कॉल करते हैं यूपी 100 को, 100 नंबर जब मिलाते हैं तो जो क्रिया हमारे साथी अधिकारी ने बताई कि सारी कॉल हर जिले में, आप गोरखपुर में है तो गोरखपुर में, कुशीनगर में तो कुशीनगर में, महाराजगंज में तो महाराजगंज, हर जगह से कॉल ऐसी फैसिलिटी है कि आप कहीं से किसी भी मोबाइल नंबर, आप कच्चे कचरे बच्चे टेलीफोन ऑपरेटर्स को जानते हैं, आप कलाकार
कितने बच्चे एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल इतने हमसे परिचित है। ये जो एयरटेल है वोडाफोन है बीएसएनएल है और जितनी कंपनी है जो मोबाइल एंटिटी बताई आपको उनके मोबाइल का तत्काल बिलिंग होने लगता है, जैसे फिल्मों में आपने देखा है ना। उसके बाद या दूसरा तरीका इसका यह होता है कि तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, और तीसरा उनके पास एक और मोबाइल होता है उसको बताया जाता है, तो उसका तुरंत आपका नंबर आ जाता है और वो तुरंत आपको जिनको बताया जाता है गोरखपुर में वो तुरंत आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और पूछते हैं आपकी क्या समस्या है, और जैसे आप अपनी समस्या बताते हैं तुरंत आपके लिए मौके पर रवाना हो जाते हैं। उनके लिए मैंडेटरी है कि जैसे सूचना आती है उन्हें बटन दबाना होता है कि हाँ मुझे सूचना मिल गई, दूसरा बटन दबाना होता है कि हाँ मैं मौके पर जा रहा हूँ, और जब तक आपकी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक वो मोबाइल में एक बटन और दबाना होता है कि हाँ समस्या का पूरा समाधान हो गया, उसे पुलिस की भाषा में इवेंट कहा जाता है। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए, पुलिस स्टेशन जाकर कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होगी, पुलिस आपकी कंप्लेंट सुनेगी और जो कंप्लेंट की नेता के साथ जिस तरह की वो कंप्लेंट है उसी तरह की उसमें कार्रवाई करेगी। देखिए थाना और चौकी जो पुलिस है वो तो अपनी जगह यथावत जो 100 है ये तो आपके लिए फैसिलिटी है, आके आप एक फोन घुमा करके आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है, आप 100 नंबर मिलाइए और पूरे जहां समस्या है वो स्वयं पहुंच सब ब्रांड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको किसी अननोन एफबी से फेसबुक आईडी से आपको मैसेज आते हैं ठीक है, उनको कभी भी ओपन न करिए, आपको लिंक आता है उन पर क्लिक ना कर, वो आपकी प्राइवेट डिटेल्स ले सकता है जिसमें वो हैक कर सकता है आपके अकाउंट को, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड तक ले सकता है। आप कभी भी ऐसे मैसेज या ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें। अगर बार बार आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसमें एक रिपोर्ट ऑप्शन भी होता है मैसेज के बगल में, तीन ब्लिंक आएगी उस पर क्लिक करिए और रिपोर्ट करिए उस साइड को, और उस पोस्ट को जो आपको परेशान कर रहा है उसको, अगर उससे भी नहीं तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल या क्राइम ब्रांच ऑफिस में आकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, आप अपना पासवर्ड कभी भी इजीली ना रखें, 4 डिजिट 5 डिजिट या मोबाइल नंबर या अपना नाम या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ ना रखें, कोई ऐसा पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, अल्फाबेट न्यूमेरिक और फंक्शन की इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ अपना पासवर्ड बनाएं, वो आप इनको शो कराना चाहते हैं। सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग में ऑप्शन होंगे कॉन्टेक्ट पब्लिक कॉन्टेक्ट एक्सक्लूडिंग कॉन्टेक्ट नंबर, इसका ये नया फीचर आया है फेसबुक व्हाट्सएप ने दिया है, इसमें है कि जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं उनके अलावा भी आप चाहते हैं कि हमारे कुछ कॉन्टेक्ट लिस्ट में इन नंबरों को हम अपना व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर या स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं या उनसे हम कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप वहां से उस कॉन्टेक्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, जिसमें उनको बाहर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप उनसे कॉन्टेक्ट मतलब वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज आते हैं या फिर कोई लिंक आते हैं तो आपको क्लिक नहीं करना है, सेम प्रोसीजर वो लिंक आपके फेसबुक को हैक कर सकता है, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप में सेटिंग्स में एक व्हाट्सएप पेज का ऑप्शन आता है, कितने लोग जानते हैं व्हाट्सएप पेज, व्हाट्सएप वेब एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके व्हाट्सएप को आपके व्हाट्सएप के क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी पूरी पूरी व्हाट्सएप लैपटॉप या फिर किसी दूसरे सिस्टम में ऑपरेट की जा सकती है, टोटली आप क्या चैटिंग कर रहे हैं वो अदर पर्सन रीड करेगा, उसमें एडिट कर सकता है आपके मोबाइल आपके व्हाट्सएप से किसी दूसरे आपके फ्रेंड्स को
मैसेज भेज सकता है, फोटो दे सकता है। तो आपको हमेशा अपने व्हाट्सएप की सेटिंग को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं हमारा व्हाट्सएप से हमारा व्हाट्सएप किसी अन्य डिवाइस में ऑपरेट हो रहा है, तो व्हाट्सएप जब ऑप्शन आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यू आर लॉग्ड इन अनदर डिवाइस या अनदर विंडो या अनदर अनदर फोन एंड्रॉइड फोन। आप वहां पे नीचे ही ऑप्शन होगा लगाउट तुरंत लगाउट करें। जिसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई प्लानिंग किए हैं, इस प्लानिंग के साथ ऐसी स्कीम भी गठित हुआ है जो हमारे उत्तर प्रदेश में 35 जिलों में स्थापित है। इनके सभी कर्मचारी सारे वर्ग में होते हैं जिससे बच्चा भयभीत ना हो, अपनी बातें खुल के बता सके। रेस्क्यू के दौरान लगभग 40 बच्चे ट्रैफिक के थे, ट्रैफिक के बच्चे भी पकड़े गए, उनकी क्या कानूनी कार्रवाई हुई वो जेल भेज गए। ये महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर रेस्क्यू टीम गठित है और जिले के हर थाने पे दो दो बाल कल्याण अधिकारी है जो बच्चों के संबंधित अपराध का समाधान करते हैं तथा उसका निस्तारण करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सीखा सेफ्टी और अपने आप को बचाव के लिए, और फिर फेसबुक और मोबाइल से मतलब कैसे संपर्क कर सकते हैं पुलिस को और कैसे अपने आप को सेफ्टी कर सकते हैं वो ही सीखा हमने। और फिर हम लोग ने मतलब ये भी सीखा कि कैसे अपने मतलब कोई ना हो वहाँ उस जगह पे कि अपने आप को मतलब अपने हाथ पैर से भी सेफ्टी कर सकते हैं खुद से। इससे हम लोगों ने ये सीखा कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं,
किसी भी रोड चलते टाइम कोई भी अगर किसी भी तरीके की हम लोग की परेशानी होती है तो हम कैसे मतलब कि अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे फ़ोन करके उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचा कर खुद की सुरक्षा का जिम्मेदारी अपनी खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बता अभी क्या सीखा है आपने? हमने ये सीखा है कि अगर हम रास्ते में चलते हैं तो हम अपने को बचाव कैसे रख सकते हैं हमने सीखा। और अब कहीं भी जाने पर हमें अपने पेरेंट्स को साथ में ले जाना चाहिए और अगर कोई हम पे अटैक करे तो उसे हमने डट कर सामना करना चाहिए। कार्यशाला में साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, क्या सीखा आपने? साइबर क्राइम फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल पे होती है और इसमें हमें ये बताया गया है कि अब किसी भी अगर हम ब्राउज़र से यूज़ करते हैं या किसी अन्य के फ़ोन से हम अपना फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमेशा हमें अपना पासवर्ड लॉग आउट करना है और अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आदरणीय DGP साहब के निर्देश में जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के क्रम में ये कार्यशाला आज भगवती कन्या कॉलेज में आयोजित की गई है जिसमें हमारी टीम वुमेन सेल्फ डिफेंस महिला के अंतर्गत जो ऑपरेशन आत्मरक्षा चलाया जा रहा है इसमें 1090 UP 100 सेल्फ डिफेंस के बारे में सेल्फ डिफेंस एक्ट करके भिन्न भिन्न तरीक़ों से बालिकाओं को समझाया जाता है कि किस परिस्थिति में उन्हें किस तरह से कार्रवाई करनी है अपने बचाव में भी आत्मरक्षा में भी और किसी तरह की अप्रिय घटना होने की स्थिति में उन्हें क्या करना है, इस तरह की एक ट्रेनिंग कॉलेज प्रशासन के सहयोग से आज यहाँ आयोजित की गई।